ये प्रदूषण मुक्त प्रवास जो है, लोगों को एयर कंडीशन आरामदायी प्रवास इस ई शिवनेरी बस के माध्यम से मिलेगा। ये बहुत बड़ा कदम एसटी महामंडल की ओर से लोगों के लिए उठाया गया है। इसके बाद और 5000 ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एसटी महामंडल के सेवा में दाखिल हो जाएगी। और उसी के साथ हिंदुहृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बस स्थानक ये अभियान भी चलाया जाएगा। इसके तहत एसटी डेपो जो है उसकी स्वच्छता होगी, वो सुंदर होंगे, वहाँ के टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट जो है वो साफ सफाई उसकी रहेगी, अच्छी कैंटीन होगी, वहाँ भी सफाई रहेगी। और ये जो एसटी के जो प्रवासी है, जो प्रवास करने वाले आम लोग हैं, उनको अच्छी सेवा देने का ये काम एसटी महामंडल की ओर से होगा। मैं इसलिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। सर, विपक्ष जो है अभी स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने तुम्ही अभियान सुरू केलं, खरी श्रद्धांजली त्यांना आणि खरा आठवणी प्रेम त्यांच्या प्रतीचं नाही, बाळासाहेबांचं देखील या सर्व सामान्य माणसांना ज्या सेवा उनकी जो सेवा दे रहे थे, ये हम बाळासाहेब ठाकरे जी भी उसे प्राथमिकता दे रहे थे, और इसी के लिए उनके नाम से यह अभियान एसटी महामंडल चलाएगा। इसका फायदा आम आदमी को होगा। धन्यवाद। ये इसमें अभी तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अभी वो सीएम पद की होड़ लगी है, पर्दा लगी हुई है, बोर्ड लग रहे हैं और जनता उसका आनंद उठा रही है। और ये आखिर में ये जनता के हाथ में रहता है, जनता जनार्दन जो चाहती है वही होता है। ये ऐसे कोई कुछ भी कहने से कुछ होता नहीं, हम लोग उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। हम सरकार के माध्यम से आम लोगों को जो सेवा सुविधा दे रहे देने का काम है, इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम है, इस राज्य के सभी घटक जो है उनको न्याय देने का काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।